अभी तो ये जीरो ही दिखा रहा है, टाइट करने के बाद इसका एग्जैक्ट मेजर आ जाएगा। 20 है तो पीछे बेसिकली गाइस हम लोग यूज़ करने वाले हैं मोटूल का C2, ये है चेन ब्लू। तो अभी चेन को ओके सो ऑलराइट, फिलहाल मैं हूँ केतन के घर पे एंड देख रहे हो कंडीशन देखो अब बाइक की, काफ़ी गंदी हो चुकी है बाइक और इसको आज हम वॉश करेंगे एंड बाकी एवरीथिंग जो केतन करता है इसको वो सब करने वाले हैं। एंड आप भी वीडियो को देखना और आप मतलब आप भी आइडिया ले पाओगे और आप भी कुछ सीख के जाओगे कैसे अपने बाइक को मेंटेन करते हैं। मुझे पता है सब मेंटेन करते हैं अपने बाइक को, फिर भी अगर आप वीडियो पे एंड तक बने रहते हो तो आपको बहुत कुछ दिखने को मिलेगा वो कैसे मेंटेन करता है एंड ऑल। सो ये रहा बिफोर, आप देख लो, उसके बाद वॉश होने के बाद का कंडीशन आप देखना। देख लो ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर का राइड था उस दिन ऑलमोस्ट, भाई कितना भाई गंदा हो रखा है। रेडिएटर पे देखो, रेडिएटर पे भी काफ़ी आपको कीचड़ दिखने को मिलेगा। सो एवरीथिंग अब इसको हम प्रॉपर वॉश करने वाले हैं एंड वही आपको दिखाएंगे क्या क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे आप सभी को। तो वीडियो पे एंड तक बने रहना एंड बहुत साउंड आ रहा होगा आपको, मुझे पता है बहुत, तो थोड़ा एडजस्ट करना। तो आप सभी को पता ही होगा कि ये मिडिल स्टैंड इसमें नहीं आता MT-15 में, सो मतलब ओनली साइड स्टैंड आती है। सो इसको हम अभी जीरो लोअर पे उठाने वाले हैं ताकि हमें जब लूप करेंगे तो इजी रहे लूप करना। सो कितना भी इसको उठाने वाला है एंड यस उठ चुका है। तो यही एक डिसएडवांटेज है मिडिल स्टैंड ना होने का, थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। पर ये अगर आपके पास ये जीरो लोअर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब हम क्या करने वाले हैं लूप, अभी इस पर लूप करने वाले हैं। हमारे पास है C1, सबसे पहले हम लोग C1 यूज़ करने वाले हैं इसे लूप करने के लिए। ये बेसिकली चेन को क्लीन करता है, सॉरी मैं लूप बोल रहा था, लूप नहीं, अभी जस्ट हम लोग क्लीन करेंगे। अच्छा अच्छा, फिर बाइक को भी क्लीन करेंगे उसके बाद जब इस पर लूप करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्लीन करते हैं, क्लीन करना पड़ता है। और ये संडे राइड का जो क्लीन करना पड़ेगा अच्छे से, मतलब अगर इस पर डस्ट रह जाता है तब तो क्लीन करना कोई फायदा है नहीं, नहीं है। और यहाँ पे जीरो लार अपना पूरा अच्छा वाला फायदा दिखाते हुए। सो अभी आप देखो कंडीशन इसका पूरा क्लीन हो चुका है, देख रहे हो ना आप। सो C1 हमने यूज़ किया है एंड ये जो ब्रश आप देख रहे हो ना ये यूज़ करके केतन ने अच्छे से इसको क्लीन कर दिया है। अब क्या करने वाले हम, अभी इसमें पानी डालेंगे, शैम्पू वॉश करेंगे। अच्छा, अब इसको वॉश करेंगे अच्छे से, उसके बाद ल्यूब। उसके बाद ल्यूब करेंगे। ओके, उसके बाद अगर टाइम मिला तो हम लोग टायर में भी पॉलिश करेंगे और बाकी सब काम हम लोग स्टेप बाई स्टेप दिखाते हैं। अभी फिलहाल इसमें शैम्पू वॉश का काम हम लोग शुरू करते हैं। ओके, सो दिस इज Part 1 ख़त्म, अब Part 2 पे हम लोग चलते हैं। ऑल राइट, अब आप देखो, देख रहे हो सही लग रही है ना, पीछे भी देखो। सो हमने ऑलरेडी वॉश कर दिया इसको एंड अब हम इस पर यूज़ करने वाले हैं ब्लोअर। ब्लोअर से हम लोग पानी हटाएंगे तो पानी जल्दी भी हटेगा और इसका जो रिजल्ट है वो भी बहुत सेटिस्फाइंग हो रहा है। मैं दिखा दूँ, यहाँ पे फोकस करो। तो आपने देखा, सो वैसे ही हम अभी करने वाले हैं पूरे बाइक पे, कितना अभी करने वाला है। सो वही और देख लो पानी जो है ना फटाफट सूख जाएगा और कपड़ा अगर यूज़ करते हो तो स्क्रैच वगैरह रह जाता है। तो वही आप ब्लोअर यूज़ कर सकते हो और बेटर रिजल्ट। सो दिस इज थर्ड स्टेप ना, सो थर्ड स्टेप पे अभी हमें फिलहाल, अगर आप वीडियो पे एंड तक बने रहते हो तो आपको बहुत कुछ दिखने को मिलेगा।
एंड अब हम लोग लूप करने वाले हैं। और बेसिकली गाइस हम लोग यूज़ करने वाले हैं मोटूल का C2, यह है चेन ल्यूब। तो अभी चेन को आते हैं इस तरफ से ल्यूब करते हैं। मैं फिलहाल बता दूँ कि बाइक को हम लोगों ने दोबारा से जी रोलर पे चला दिया है ताकि हम लोग व्हील जो है उसे इजीली रोटेट कर सकें। अभी फिलहाल यहाँ पे ल्यूब का काम शुरू करते हैं। सो लीव हो गया खत्म एंड यही हमारा फाइनल था ना। ओके सो प्रेशर चेक करते हैं अभी हम इससे इस मशीन से। अभी हम लोग टायर प्रेशर चेक करने वाले हैं कि प्रेशर ठीक है कि नहीं। अगर ऊपर नीचे हुआ तो हम लोग हवा डालेंगे या फिर कमाएंगे। ओके हम चेक करने वाले हैं प्रेशर क्या है क्या नहीं। अभी तो ये 0 ही दिखा रहा है। टाइट करने के बाद इसका एग्जैक्ट मेजर आ जाएगा। 20 है तो पीछे हम लोग 33 कर देंगे। सो प्रेशर भी हो चुका है चेक। एवरीथिंग इज डन एंड जैसे कि आप सभी ने देखा स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करते हो तो आप काफ़ी अच्छे तरह से अपना बाइक को मेंटेन कर पाओगे। सो काफ़ी दिनों के बाद मैंने केपी का मतलब केतन का बाइक मैंने वॉश किया। केतन ने सब कुछ उसने ही किया, मैं बस उसके साथ दे रहा था। सो बहुत सालों के बाद मैंने वॉश किया है। सो बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा। एंड कुछ सीखने को भी मिला मुझे। इतने सारे चीज़ मुझे पता नहीं था इसके मतलब इतना सारा चीज़ें करने पड़ते हैं अपने बाइक को मेंटेन करने के लिए। सो इस वीडियो से अगर कुछ आपको थोड़ा सा भी आइडिया मिला होगा सो कमेंट पर आप कुछ बोलते हुए जाना, कुछ कमेंट करते हुए जाना।